हेलो स्टूडेंट्स, आज का जो टॉपिक है वो एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव का 6 मार्क का क्वेश्चन आते हैं बोर्ड में, वो है इफ लेंथ ऑफ 3 साइड्स ऑफ अ ट्रेपेजियम अदर देन बेस आर इक्वल टू 10 सेंटीमीटर देन फाइंड द एरिया ऑफ द ट्रेपेजियम व्हेन इट इज मैक्सिमम। तो सबसे पहले हम लोग एक ट्रेपेजियम बना लेते हैं। ये ट्रेपेजियम है, ये ट्रेपेजियम की पैरेलल साइड्स हैं एंड ये नॉन पैरेलल साइड्स हैं। क्वेश्चन में गिवन है इफ लेंथ ऑफ 3 साइड्स ऑफ ट्रेपेजियम अदर देन बेस, दिस इज बेस, द लेंथ ऑफ 3 साइड्स ऑफ ट्रेपेजियम अदर देन बेस आर इक्वल टू 10 सेंटीमीटर। इट मीन्स दिस इज 10 सेंटीमीटर, दिस इज 10 सेंटीमीटर एंड दिस इज ऑल्सो 10 सेंटीमीटर। देन फाइंड द एरिया ऑफ द ट्रेपेजियम, तो हमें क्या फाइंड आउट करना है, एरिया फाइंड आउट करना है व्हेन इट इज मैक्सिमम, एंड एरिया को ही हमें क्या करना है, मैक्सिमम करना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग परपेंडिकुलर ड्रॉप कर देते हैं यहां से। इफ दिस इज 10, दिस इज ऑल्सो इक्वल टू 10, लेट दिस इज इक्वल टू ए, दिस इज ऑल्सो ए, नेमिंग कर देते हैं ए बी सी डी पी क्यू। ठीक है, सबसे पहले हमने क्या लिया, लेट ए पी इज इक्वल टू ए, देयरफॉर क्यू बी इज ऑल्सो ए। ठीक है, अब एरिया चलते हैं, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम होता है आपका हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स इंटू हाइट। तो इसमें पैरेलल साइड्स कौन सी हैं आपकी, DC एंड AB, इनका सम इनटू हाइट। तो हाइट फाइंड आउट करने के लिए ये आपकी हाइट है, यहाँ से परपेंडिकुलर हमने ड्रॉप किया है, तो हम एक ट्रायंगल ले लेते हैं, ट्रायंगल इन ट्रायंगल ADP, पाइथागोरस अप्लाई कर देते हैं, AD स्क्वायर इज इक्वल टू AP स्क्वायर प्लस DP स्क्वायर। हम लोग को DP फाइंड आउट करना है, DP स्क्वायर इज इक्वल टू AD स्क्वायर माइनस AP स्क्वायर। सो DP स्क्वायर इज H स्क्वायर इज इक्वल टू AD इज 10, देयरफॉर 100 माइनस AP इज A, सो A स्क्वायर। सो हाइट कितनी हो गई, अंडर रूट ऑफ 100 माइनस A स्क्वायर। सो एरिया ऑफ ट्रेपेजियम कितना हो गया, हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स, पैरेलल साइड CD, CD इज 10 प्लस AB, AB इज 2A प्लस 10 इंटू हाइट, हाइट इज 100 माइनस A स्क्वायर। इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेते हैं, 20 प्लस 2A दैट इज A प्लस 10 इंटू रूट ऑफ 100 माइनस A स्क्वायर, दिस इज एरिया ऑफ ट्रेपेजियम। अभी इसको मैक्सिमम करना है, तो सबसे पहले इसका फर्स्ट डेरिवेटिव करते हैं, किसके रिस्पेक्ट में करेंगे, ए के रिस्पेक्ट में करेंगे, तो यहाँ पे यू डॉट वी अप्लाई कर लेंगे, तो यहाँ पे ए का डेरिवेटिव 1 + 0 दैट इज 1 इंटू रूट ऑफ 100 माइनस ए स्क्वायर प्लस ए प्लस 10 कॉन्स्टेंट, रूट का डेरिवेटिव करेंगे 1/2√100 माइनस ए स्क्वायर, देन फंक्शन का करेंगे तो माइनस ऑफ 2a, 2 से 2 आंसर। ठीक है, जो भी फर्स्ट डेरिवेटिव आया है उसको इक्वल टू 0 पुट कर लेंगे, तो 0 पुट करेंगे तो दिस इज रूट ऑफ 100 माइनस ए स्क्वायर माइनस ऑफ ए, ए प्लस 10 अपॉन अंडर रूट ऑफ 100 माइनस ए स्क्वायर इज इक्वल टू 0। थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेते हैं इसको, सिंप्लीफाई करेंगे एलसीएम ले लेते हैं, तो दिस इज 100 माइनस ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर माइनस 10 ए होल अपॉन रूट ऑफ 100 माइनस ए स्क्वायर, सो माइनस 2 ए स्क्वायर माइनस 10 ए प्लस 100 इज इक्वल टू 0। इफ वी टेक आउट माइनस 2, दिस इज ए स्क्वायर प्लस 5 ए माइनस 50 इज इक्वल टू 0। फैक्टर्स कर लेते हैं,
ए स्क्वायर प्लस फाइव ए माइनस फिफ्टी इज इक्वल टू ज़ीरो. सो ए स्क्वायर प्लस टेन ए माइनस फाइव ए माइनस फिफ्टी इज इक्वल टू ज़ीरो. ए कॉमन आउट ए प्लस टेन माइनस फाइव कॉमन आउट ए प्लस टेन इज इक्वल टू ज़ीरो. ए माइनस फाइव इज इक्वल टू ज़ीरो एंड ए प्लस टेन इज इक्वल टू ज़ीरो. देयरफॉर ए इज इक्वल टू फाइव एंड ए इज इक्वल टू माइनस टेन. ए इज इक्वल टू माइनस टेन इज नॉट वैलिड बिकॉज लेंथ इज नॉट नेगेटिव. सो ए इज इक्वल टू फाइव. अभी जो भी आपका फर्स्ट डेरिवेटिव था उसका हमें डबल डेरिवेटिव करना है. तो डबल डेरिवेटिव के लिए फर्स्ट डेरिवेटिव को थोड़ा सा सिंप्लीफिकेशन फॉर्म में लिखेंगे. लिखते हैं सिंगल डेरिवेटिव को हम लोग. हमारा सिंपल फर्स्ट डेरिवेटिव आया था ए डैश इज इक्वल टू रूट ओवर हंड्रेड माइनस ए स्क्वायर माइनस ऑफ ए ए प्लस टेन अपॉन रूट ओवर हंड्रेड माइनस ए स्क्वायर. एलसीएम ले लेते हैं. ए डैश इज इक्वल टू रूट ओवर हंड्रेड माइनस ए स्क्वायर हंड्रेड माइनस ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर माइनस टेन ए. दिस इज इक्वल टू माइनस टू ए स्क्वायर माइनस टेन ए प्लस हंड्रेड होल अपॉन अंडर रूट हंड्रेड माइनस ए स्क्वायर. अब हम लोग डबल डेरिवेटिव करेंगे. तो डबल डेरिवेटिव में यहाँ पे u बाई वी का फॉर्मूला लगाएंगे. u बाई वी का डेरिवेटिव होता है आपका v स्क्वायर u डैश v माइनस v डैश u. अप्लाई करते हैं. सो a डबल डेरिवेटिव इज इक्वल टू रूट ओवर हंड्रेड माइनस ए स्क्वायर द होल स्क्वायर रूट ओवर हंड्रेड माइनस ए स्क्वायर कॉन्स्टेंट इंटू माइनस टू ए स्क्वायर इज माइनस टू इंटू टू ए माइनस टेन ए इज टेन प्लस ज़ीरो माइनस कॉन्स्टेंट रूट का डेरिवेटिव करते हैं इंटू वन अपॉन टू रूट हंड्रेड माइनस ए स्क्वायर फंक्शन का करेंगे तो माइनस टू ए टू से टू कैंसिल. अब इसको सिंप्लीफाइड फॉर्म में लिखेंगे. ए डबल डैश इज इक्वल टू रूट ओवर हंड्रेड माइनस ए स्क्वायर माइनस फोर ए माइनस टेन माइनस माइनस प्लस दिस इज माइनस टू ए स्क्वायर माइनस टेन ए प्लस हंड्रेड इंटू ए अपॉन रूट ओवर हंड्रेड माइनस ए स्क्वायर होल अपॉन ये रूट कैंसिल हंड्रेड माइनस ए स्क्वायर. अभी यहाँ पे हम क्या पुट करेंगे. ए इज इक्वल टू फाइव पुट करते हैं. ए इज इक्वल टू फाइव पुट करेंगे हम लोग तो ए ऑफ डबल डेरिवेटिव इज इक्वल टू अंडर रूट हंड्रेड माइनस ए स्क्वायर मीन्स फाइव स्क्वायर इज ट्वेंटी फाइव माइनस फोर इंटू फाइव माइनस टेन प्लस माइनस टू इंटू ट्वेंटी फाइव माइनस टेन इंटू फाइव प्लस हंड्रेड इंटू फाइव अपॉन रूट ऑफ हंड्रेड माइनस ट्वेंटी फाइव होल अपॉन हंड्रेड माइनस ट्वेंटी फाइव. सो ए डबल डेरिवेटिव इज इक्वल टू रूट ऑफ सेवेंटी फाइव माइनस थर्टी प्लस माइनस फिफ्टी प्लस हंड्रेड इंटू फाइव अपॉन रूट ऑफ सेवेंटी फाइव फुल अपॉन सेवेंटी फाइव कैंसिल हो गया. पूरी टर्म जीरो हो गई. तो आपका क्या आ गया. ए डबल डेरिवेटिव इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ थर्टी रूट सेवेंटी फाइव अपॉन सेवेंटी फाइव विच इज़ लेस देन ज़ीरो. लेस देन ज़ीरो मीन्स मैक्सिमम. तो आपका एरिया क्या हो गया. मैक्सिमम. जब भी आपका डबल डेरिवेटिव पर्टिकुलर पॉइंट पे लेस देन ज़ीरो आए नेगेटिव आए तो वो मैक्सिमम पॉइंट होता है. मैक्सिमम वैल्यू पॉइंट होता है. ठीक है. तो आपका मैक्सिमम एरिया आ गया. अभी आपको एरिया भी निकालना है. तो एरिया हमारा था हाफ ऑफ
सम ऑफ पैरेलल साइड्स मींस एरिया था हमारा हाफ ऑफ ए प्लस 10 इंटू अंडर रूट, एरिया था हमारा हाफ ऑफ 2a प्लस 20 इंटू अंडर रूट 100 माइनस ए स्क्वायर, या फिर हम इसको लिख सकते थे एरिया इज इक्वल टू हाफ, यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा, a प्लस 10 रूट ऑफ 100 माइनस ए स्क्वायर, तो a इज इक्वल टू a इज 5, 5 प्लस 10 इंटू रूट ऑफ 100 माइनस 25, सो a इज इक्वल टू 15 इंटू रूट 75, रूट 75 इज 15 इंटू 5 रूट 3, सो 75 रूट 3 सेंटीमीटर स्क्वायर, सो एरिया इज 75 रूट 3 सेंटीमीटर स्क्वायर। अच्छा बच्चों, अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए एंड बेल आइकन ज़रूर प्रेस करिए, जिससे आप कंटिन्यूएशन में वीडियोस देख पाएंगे। आगे चल के मैं बोर्ड के पूरे पूरे पेपर भी सॉल्व कराऊंगी, तो अगर आप बेल आइकन प्रेस करेंगे तो आपको ईजिली वो अवेलेबल हो जाएंगे। थैंक यू।